सत्संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत में हाजिर हुए हमारे अपने चैनल पर एक नई साखी लेकर। सत्संगत एक बार किसी शहर के धनवान लोगों ने मिलकर एक बड़ा आलिशान मंदिर बनवाया। इस मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण के बचपन की मूर्ति लगाने का सुझाव आया। सत्संगत सभी लोगों ने उसकी सहमति दे दी। भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाने के लिए कलाकार ने अपनी मांग की कि शहर में जो सबसे सुंदर बच्चा हो, जो लगभग एक वर्ष की आयु का हो, उसके सामने बिठाए जाए ताकि उसकी शक्ल से प्रभावित होकर वह कृष्ण भगवान जी की मूर्ति बनाकर मंदिर को सुशोभित कर सके। सत्संगत कलाकार मांग पूरी करने के लिए शहर वालों ने सारा मोहल्ला भ्रमण किया और उन्हें जो बच्चा सबसे सुंदर लगा उसको उस लेकर कलाकार के सामने लाकर बिठा दिया। सत्संगत कलाकार ने उस बच्चे को देखकर बहुत सुंदर मूर्ति बना दी और उस मूर्ति को बड़ी श्रद्धा पूर्वक मंदिर में स्थापित कर दिया। सत्संगत कुछ समय बीतता गया। 20-22 सालों के बाद मंदिर के प्रबंधकों को किसी ने सुझाव दिया कि जहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी है उसके साथ ही एक मूर्ति कंस की भी लगा दी जाए ताकि द्वापर काल का इतिहास जो कृष्ण और कंस के जुड़ा है उसे पूर्ण रूप से दर्शाया जाए। सत्संगत फिर से उसी कलाकार को ही दर्शाया गया जिसने भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई थी। कलाकार ने मूर्ति बनाने के लिए अपनी सहमति इस शर्त पर दी कि मूर्ति बनाने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति को मंदिर में सामने लाया जाए कि जिसके चेहरे से क्रूरता, गुस्सा, ईर्ष्या और वैर की भावना झलकती हो। सत्संगत ऐसे दुष्ट व्यक्ति को जब मंदिर में लाया गया उसे देखकर कलाकार को बहुत सुंदर लगा क्योंकि कंस की मूर्ति के लिए वह ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाए थे जिसकी सत्संगत उसे आवश्यकता थी। कलाकार को प्रसन्न देखकर सत्संगत दुष्ट व्यक्ति ने उससे बातचीत करने आरंभ कर दी। सत्संगत वार्तालाप करते करते दुष्ट व्यक्ति ने कलाकार से पूछा कि उससे पहले कौन कौन सी मूर्तियां बनाई है। सत्संगत कलाकार इशारा करके बोला कि यह भगवान कृष्ण की मूर्ति 20-22 साल पहले मैंने बनाई थी। सत्संगत दुष्ट व्यक्ति उस मूर्ति को बड़ी गहरी निगाह से देखने लगा और उसे मालूम हुआ कि यह सुंदर मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने बचपन की थी। सत्संगत उसे एहसास हुआ कि बचपन में जो इसका कृष्ण का रूप दर्शाया गया था वही रूप समय पाकर बुरी संगति के कारण कौंस वृत्ति में परिवर्तित हो गया। सत्संगत उस नौजवान ने वहां रण किया कि उस दिन के बाद बुरी संगत छोड़कर संत महात्माओं की संगत में प्रवेश करके पुरातन बचपन वाली रूपरेखा अपने जीवन में धारण करेगा। सत्संगत इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि बचपन तो बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होता है लेकिन सोसाइटी इंसान को बुरे या अच्छे मोड़ पर लाकर बड़ा